अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो बेशक हम अल्लाह ताला की मोहब्बत का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और अल्फाजों में बयां करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपने कभी नोटिस करा है कि अल्लाह ताला कुरान में हमको ऐसे एड्रेस करते हैं, या इबादी, ए मेरे बंदे। वो ये नहीं कहते ए मुसलमान, ए काफिर। अल्लाह ताला कहते हैं या इबादी, मेरे बंदे, ये बताने के लिए कि तुम मेरे हो। अल्लाह ताला की रहमत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो हमारी इतनी नाफरमानियों के बाद, इतने गुनाहों के बाद जब हम अपनी एक सिंसेयर रिपेंटेंस करते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करता बल्कि मिटा देता है, हमारी नेकियों से बदल देता है। सोचे आपने ज़िंदगी भर गुनाह करे हो और वो गुनाह अल्लाह नेकियों में बदल दे सिर्फ आपकी एक सच्ची तौबा से। तो इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना हमारी नाफरमानियाँ देखने के बाद हमें इतनी मोहब्बत से बुलाने वाला कौन हो सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। हम इस आर्जी दुनिया के लिए, कुछ पल की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला को इग्नोर करते हैं, नाफरमानी करते हैं, लेकिन हमें ये खुद से सवाल करना है कि अगर आप कल मर जाते हैं या आज हमारी मौत आ जाए, तो क्या हम अल्लाह ताला को फेस करने के लिए रेडी हैं? क्या हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है? ये सवाल हम सबको खुद से करना है।